साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। लॉकडाउन के बीच वाराणसी में बड़ा हादसा, खबर विस्तार से। वाराणसी रामनगर थाना क्षेत्र के गंगा नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत। सूचना के मुताबिक पता चला है कि सभी गंगा नदी में नहाने पहुंचे थे। पांचों बच्चे रामनगर सिपहिया घाट पर नहाने के लिए गए थे। बच्चों के डूबने की सूचना पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। आज सुबह रामनगर थाना अंतर्गत सिपहिया घाट में कुछ बच्चे थे जो गंगा जी में स्नान कर रहे थे, नदी के किनारे ही नहा रहे थे, लेकिन उसी में से एक बालक डूबने लगा। उसको बचाने के लिए दूसरा गया और ऐसे करते करते जो भी बचाने गया गहरे पानी में जाने से, डूबने से, उन सब की मृत्यु हो गई और सभी की शव बाहर निकाल लिए गए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वजह कि चूँकि बच्चे, एक लड़का डूबा, उस छोटा वाला बच्चा था 14-15 साल का, वो डूबा, उसको बचाने के लिए दूसरा गया, वो भी गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गया, तीसरा गया। वजह फिलहाल प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया यही वजह सामने आई है, और भी जांच की जाएगी, जो तथ्य सामने आएंगे आपको बताया जाएगा।